तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर पर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि द पॉलिटी सीरीज ऑफ एम लक्ष्मीकांत इज गोइंग ऑन, और उसी के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट मतलब मैंने आपको उसके अंदर बताया था द कंपनीज रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से इंडिया के ऊपर रूल किया, क्या किया। ये सभी लोग हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या इंपॉर्टेंस है उन सारे इवेंट्स का, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब 1857 में जब सेपॉय म्यूटिनी, जिसे हमारे यहाँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है, द वेरी ग्लोरियस इवेंट, उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो ऑक्यूपाई कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के रूल को, और उसके बाद में फिर 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लाए जाते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसे हम जो है आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर को जिसने नहीं देखा है उन लोगों के लिए जो है वो PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लेक्चर का जो है लिंक मिल जाएगा, और उसके बाद में साथ ही में आप जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप यहाँ के नोट्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ आकर जो है मुझसे पूछ सकते हैं, पॉजिटिवली रिप्लाई टू दैट। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विथ आर लेक्चर, द क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो है दैट टाइम की इंग्लैंड की क्वीन, क्वीन विक्टोरिया बाई का, जिन्होंने अपने आप को क्लेम किया था एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला वो आता है द क्राउन रूल में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, 1858 जब सेपॉय म्यूटिनी होती है 1857 की, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आती है। इस एक्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये आपकी जो हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर सेपॉय म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, उसके बाद इस एक्ट को जो है वो लेकर आया गया था। इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रिटिशर्स का ऐसा कहना था कि दे आर गोइंग टू गवर्न द इंडिया इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, सो इट इज रेफर्ड एज द गुड गवर्नमेंट एक्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एबोलिश कर देती है इंडिया से, और फाइनली जो है वो लेकर के आते हैं सारी की सारी पावर किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। यस, यू आर लिसनिंग वेरी राइट, ऑल द पावर्स विल कम टू द ब्रिटिश क्राउन। देखिए वही वाली बात होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 ईयर्स तक इंडियन किंग्स के साथ में फाइट किया, एक पूरी थाली उन्होंने सजाई, और क्वीन विक्टोरिया बाई ने 1 मिनट में वो थाली जो है ब्रिटिशर्स के हाथ से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छीन ली। क्या जो फेसेस चेंज हुए थे, फेसेस चेंज होने से बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन देखते हैं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एक्ट के अंतर्गत किन कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज हुई है। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं। सबसे पहले इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंस फॉर वॉज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी से मतलब है कि जो रूल होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी अंडर क्राउन, और उस टाइम क्राउन कौन है, उस टाइम पे जो क्राउन है वो है क्वीन, क्वीन विक्टोरिया, जिन्हें इंडिया में क्वीन विक्टोरिया बाई कहा जाता है। इन्होंने इस एक्ट में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी पोस्ट को चेंज करके उसे कर दिया है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के ऊपर पहले रूल किया करते थे इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर, पर जब ब्रिटिश डायरेक्ट क्राउन रूल आ चुका है तब उसे कहा जा रहा है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। द वॉइस रॉय वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि वॉइस रॉय जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होने वाले हैं ब्रिटिश क्राउन के इंडिया के अंदर, और पहले जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है वो है लॉर्ड कैनिंग, मतलब 1858 में जो सबसे पहले, ये जो भाई साहब आपको यहाँ फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ही इज लॉर्ड कैनिंग, हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इसके अलावा इट एंटेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दो जो है वो स्टार्ट हुए थे, उन दोनों को जो है ऑमिट कर दिया जाता है, एक नया ऑफिस बनाया जाता है इसके बाद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
Who vested complete authority and control over Indian administration? The Secretary of State was a member of the British cabinet and was responsible ultimately to the British crown. जैसे कि वॉइस रॉय जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है क्राउन का. अब ब्रिटेन में उस टाइम पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और पार्लियामेंट की जो गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस हमेशा से ज़्यादा रहा था. तो एक ऑफिस वॉइस रॉय का बनाया जाता है और एक ऑफिस बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का. ये एडविन स्टैनली का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं. एडविन स्टैनली वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडियन नेशन. और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो उसके लिए दो कंडीशन है. पहला तो कि वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होने वाला है, मतलब सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा, ही इज गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट. और दूसरी जो चीज़ है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होने वाला है ब्रिटिश पार्लियामेंट को. ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर है मतलब कैबिनेट का मेंबर है, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही जो है वो मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होने वाला है. इसके अलावा इस एक्ट ने क्या किया, 15 मेंबर काउंसिल बनाई है इंडिया के लिए, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे. एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो काउंसिल है इट इज़ कम्प्लीटली एंड एडवाइजरी बॉडी, और जो चेयरमैन होने वाले हैं इस काउंसिल के उन्हें बनाया जाएगा वो कौन होने वाला है, वो होने वाला है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. मतलब जो 15 मेंबर काउंसिल है वो कम्प्लीटली एडवाइजरी बॉडी होगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे, ये इस एक्ट के अंदर लिखा गया है. इसके अलावा इट कंसिस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ सूइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड. जो भी ऑर्डर्स रहेंगे वो कम्प्लीटली इंडिया और इंग्लैंड के अंदर चलने वाले हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल के. जो एक्ट 1858 का हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाई विच द इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड, इट डिड नॉट ऑल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे हाई इम्प्रूवमेंट इन मशीनरी. जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने को ट्राई इसकी वजह से किया गया था कि किस तरह से इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में बैठे बैठे इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो सुपरवाइज यहाँ पर किया जा सकता है. इसमें जो सब्सटेंशियल वे ऑफ सिस्टम चला रहा था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक जो रूल चलाने का तरीका चलाते आ रही थी, वो किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं हुआ है. मतलब इंडियंस के लिए कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है, सिर्फ फेसेस चेंज हुए हैं रूलर्स के. बाकी रूल अभी भी वही डेस्पोटिक ब्रिटिश रूल होने वाला है जो कि पहले से चला आ रहा था. मतलब इतने लंबे टाइम से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम से जो ये रूल चला रहा था डेस्पोटिक रूल, वही रूल कंटिन्यू रहने वाला है. सिर्फ जो फेसेस हैं वो बदल गए हैं, नाम जो है वो बदल गए है, बस इतना सा जो कुछ है चेंज हुआ है, बाकी सारी की सारी चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी रहने वाली है. चलिए तो यहाँ तक आई होप तो सभी लोगों को क्लियर होगा. इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो आता है 1861 में, जिसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी फॉर सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. देखिए ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिखी हुई है. 1857 में जो क्रांति हुई, जिसे सेपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताऊं तो वो ये था कि सिपाहियों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था. इवन एजुकेटेड इंडियंस को भी जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे. ब्रिटिशर्स उन्हें इंफीरियर हमेशा फील करवाया जाता था, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरह से जो है वो दूर रखा जाता था. यही एक रीज़न है जिस रीज़न की वजह से जो है वो 1857 का ये ग्रेटेस्ट रिवॉल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ. तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर इंडियंस को हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें और हो सकती हैं और ब्रिटिश किंगडम जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा एवरलास्टिंग नहीं होने वाला है. पर अब बहुत ज़्यादा अधिकार तो फिर भी इंडियंस को नहीं दे सकते, तो कुछ चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की है. तो इन परसिडेंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन थ्री एक्ट्स वर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1861, 1892 एंड 1909. इंडियंस को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने तीन अलग अलग एक्ट्स को जो है वो लागू किया है. एक एक्ट आया था 1861 में, एक आया 1892 में और एक आया 1909 में. तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि 1861, 1892, 1909 जैसे मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म और इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ से आ जाएंगी. 1861 में जो एक्ट आता है उसे कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861.
काउंसिल्स एक्ट कहने का कारण ये है कि 15 मेंबर काउंसिल आपको याद होगी 1858 के एक्ट में बनी है, 1858 में है ना, 15 मेंबर काउंसिल विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज इट्स हेड। तो उसी की वजह से इस एक्ट को इंडियन काउंसिल्स एक्ट कहा जाता है। जो सबसे पहला फीचर है वो क्या है, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखिए इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाएगा इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इट डज प्रोवाइडेड दैट वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। जो वाइसराय को काउंसिल दिया गया है उसमें वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर इंडियंस को जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज, लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंडियंस को ऐड किया जाएगा, जो अभी लॉ मेकिंग प्रोसेस होगा, ड्यू लॉ मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि हमारी कंट्री को गवर्न करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री के लोगों से जो है वो पूछना चाहिए उन लोगों ने तो कि नियम जो है वो किस तरह से बनाए जाएंगे। तो जो ड्यू लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर इंडियंस को ऐड किया जाएगा। दूसरी जो चीज़ है, वाइसराय महोदय की जो काउंसिल होगी उस काउंसिल के अंदर भी वो कुछ इंडियंस को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर। 1862 में लॉर्ड कैनिंग उस समय के जो वाइसराय हैं वो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनारस के महाराज को, पटियाला के महाराज को और सर दिनकर राव, इन तीन लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऐड करते हैं। कितने लोगों को ऐड करते हैं, तीन लोगों को ऐड करते हैं। तीनों लोगों का नाम जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। द वेरी फर्स्ट पर्सन इज द राजा ऑफ बनारस, द सेकेंड इज द महाराज ऑफ पटियाला एंड द थर्ड इज सर दिनकर राव। इन तीन लोगों को वॉइसराय लॉर्ड कैनिंग अपनी काउंसिल में ऐड करते हैं आफ्टर दिस एक्ट ऑफ 1862 में ऐड करते हैं। इतना क्लियर है सभी लोगों को, होप सो दिस इज प्रीटी वेल क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। जैसे हमने देखा था कंपनी के टाइम पे सेंट्रलाइजेशन चल रहा था और 1853 के चार्टर के बाद पूरी चीज़ें कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो गई थी, लेकिन यहाँ पर अब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो ब्रिटिशर्स ने पहले किया पहले 90 ईयर्स में, अब उसका बिल्कुल विपरीत चल रहा है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सेंटर पावर है, जैसे एट ए टाइम हमारा कैपिटल है दिल्ली और यूनियन गवर्नमेंट है, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये कि सारी की सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाए, केंद्र सरकार के पास सारी ताकतें हैं, स्टेट्स के पास कुछ भी नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये जो स्टैंडर्ड अभी इंडिया में फॉलो होता है कि सेंटर इज हैविंग इट्स ओन पावर्स एंड स्टेट इज हैविंग इट्स ओन पावर्स। स्टेट के पास अपने अधिकार हैं, अपनी पावर है, और सेंटर के पास अपने अधिकार हैं और अपनी पावर है। तो जो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट होता है, प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ है आपके रेगुलेटिंग एक्ट से, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर डाल दिया था। और प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से, जहाँ पर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स को वापस लेती हैं। अभी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ नहीं है, बस डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, दस इट दस रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड रीचेज इट्स क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये जो रहेगा ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर 1833 चार्टर से कंप्लीट हुआ, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाए। अगले 28 इयर्स के अंदर ही ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, सेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा बेटर होने वाला है कि आप क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट वन कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू प्रोविंस इन 1937। 1937 में कुछ प्रोविंसेस को इंटरनल ऑटोनॉमी दे दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि जो प्रोसेस यहाँ से 1861 में स्टार्ट होता है वो वहाँ जाकर इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसके अलावा अलग अलग न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाती हैं ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब विच वर एस्टैब्लिश्ड इन 1862, 1886 एंड 1897 रिस्पेक्टिवली। बंगाल के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो 1862 में बनाया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए जो है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में आज आपका उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है वो इंक्लूड किया जाता है, उसके लिए जो बनाया जाता है वो 1886 में बनाया जाता है। पंजाब के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है वो बनती है 1897 में। इतना सभी लोगों को क्लियर होगा, ये इसकी एक्ट से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अलग अलग बनाने को डिसाइड किया जाता
इसके बाद में जो अगली बात है वो है कि इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। ये वॉइसराय को एम्पावर करता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। इट ऑल्सो गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड कैनिंग इन 1859। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम वो किया था। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि आपके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो ये सब पोर्टफोलियोज है कि डिपार्टमेंट हैंडल कर दिया गया है। तो वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने भी क्या किया था, अपने 1859 में पोर्टफोलियो जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था सभी लोगों को, जिसे क्या कर दिया गया है, लीगलाइज किया गया था 1861 के एक्ट के बाद। ठीक है, आप ये चीज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। अंडर दिस क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम में, अंडर दिस अ मेंबर ऑफ वॉइसराय काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट के उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, और वहाँ पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो डिफेंस मिनिस्टर का होता है, उसी प्रकार से काउंसिल में जो जो भी डिसीजन जो है वो बनाया जाता है उसका जो भी पोर्टफोलियो मेंबर रहेगा वो फाइनल डिसीजन जो है वो लेगा। इतना आई होप से सभी लोगों को क्लियर होगा अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर्स में। इसके बाद में इट एम्पावर्ड वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ। ये लाइन सुनकर आई थिंक सो आप सभी लोगों को हमारे राष्ट्रपति महोदय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम राष्ट्रपति की याद आई होगी। तो ये जो एक्ट हमारे यहाँ से लिया गया है कि एमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ की रहेगी, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से लिया गया। यहाँ से हमें रेलिवेंसी मिलती है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किए गए एक्ट पढ़ते ही क्यों है ना, हम ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किए गए एक्ट पढ़ते ही क्यों, तो यहाँ से हमें समझ आता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट कोई भी ऑर्डिनेंस इशू करता है तो वो जो रहता है वो अल्टीमेटली 6 मंथ तक ही उसका टेन्योर रहता है। यहाँ पर भी वही बात है। यहाँ से हमें रेलिवेंस मिलती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को पढ़ने की, क्योंकि भैया ऑर्डिनेंस वाला पावर जो अगर आपसे रैंडमली पूछ लिया जाए कि ऑर्डिनेंस कहाँ इशू होता है, तो ऑर्डिनेंस इशू करने का जो तो पावर वॉइसरॉय को देखा है वो दिया गया है 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। इसके बाद 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। ये देखिए, इट इज़ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर सिंबल आपको दिखाई, ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर सिंबल जो है वो दिखाई देगा 1892 के काउंसिल के साथ में। और इसे इंट्रोड्यूस किया था आर.ए. क्रॉस ने, जो कि फर्स्ट वाइसकाउंट क्रॉस थे। 9 फरवरी 1892 को इसे इशू किया गया था। इसे रॉयल असेंट मिला था 20 जून 1892 को, और कमिसमेंट मतलब कब से लागू हो गया था, तो ये लागू हो गया था 3 फरवरी 1893 से। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इस एक्ट को रिपील कर दिया गया था। कब रिपील किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 से ही इसे रिपील कर दिया गया था। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। जो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स के बारे में हमने बात की थी वो और ऐड किए जा सकते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी में होने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर मैंशन नहीं किए गए हैं, जस्ट इतना ही मैंशन किया गया है कि ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा होने चाहिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स से। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव दैम। अच्छा, ये देखिए, ये जो बात है यहाँ पर ऊपर, नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स को वॉइसराय नॉमिनेट कर सकता है 1861 के काउंसिल एक्ट से। यही चीज़ राज्यसभा और लोकसभा में मेम्बर्स नॉमिनेशन की भी आती है। जैसे पहले दो एंग्लो इंडियन लोगों को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकते थे। कहाँ पर नॉमिनेट कर सकते थे, लोकसभा में। इसे अब रिमूव कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो है वो ऐड किए जा सकते हैं आपके राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स। प्रेसिडेंट अपनी विश एंड विल के साथ, मतलब कहने की बात है अपनी विश एंड विल, जिन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एडवाइस करते हैं, वो उन्हीं को जो है ऐड करते हैं। बाकी हाँ, जनरल बात ये है कि प्रेसिडेंट अपनी विश एंड विल के साथ
नंबर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं, वो भी आपका काउंसिल्स एक्ट 1861 से लिया गया है। मतलब प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो पावर्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट पावर्स, एक तो नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स और एक ऑर्डिनेंस पास करना फॉर द 6 मंथ्स, ये दोनों ही पावर्स हमने कहाँ से लिए हैं, ये दोनों ही पावर 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से भी ली। चलिए इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। ये देखिए बजट, अभी अभी निर्मला सीतारमण जी ने बजट डिक्लेयर किया कुछ समय पहले, शेयर मार्केट बहुत हाई गया था जब बजट वहाँ पर आपका आने वाला था, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग तरह के टैक्सेस वगैरह की बात होती है, तो बजट डिस्कस कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लोकसभा में भी बजट डिस्कस होता है, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बजट को डिस्कस कर सकता है, इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन कर सकता है। अभी एग्जीक्यूटिव हमारी गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके हर एक्ट के लिए, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है इन द काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, तो समवेयर इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें तो इट प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द, देखिए किन किन मेंबर्स का ऑफिशियल जो है वो नॉमिनेशन किया जा सकता है बाय द वॉइसरॉय, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। तो देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए नॉमिनेशन कहाँ हो सकता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड सेकेंड दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय को जो है किसी मेंबर को ऐड करना है, उसे सेंट्रल मतलब उसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो एडवाइस करेंगे, रिकमेंड करेंगे। अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड करना है, ये तो सेंट्रल की बात होगी, प्रोविंशियल में ऐड करना है तो इसकी रिकमेंडेशन पर करेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, म्यूनसिपैलिटी की, यूनिवर्सिटीज़ की, ट्रेड एसोसिएशन की, जमींदार्स की और चेंबर्स की। द एक्ट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, ये देखिए ये इसका इम्पॉर्टेंट बात आने वाली है कि द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, द वर्ड इज देयर इलेक्शन, इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कि नॉमिनेशन के अलावा कुछ जो है वो इलेक्शन से भी भरे जाएंगे। द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउएवर नॉट यूज इन द एक्ट, इसे आप हाईलाइट करके लिख लें इफ यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स, कि जो वर्ड इलेक्शन है वो इस एक्ट के अंदर यूज नहीं किया गया है। द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, क्या यूज किया गया है, रिकमेंडेशन ऑन द सर्टेन बॉडीज। चलिए इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम पर साइमन कमीशन जलियांवाला बाग मसैकर हुआ था 1907 में, उसी तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर सॉल्ट एक्ट के खिलाफ वाली चीज़ें जितनी भी होने वाली है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक है आपके लॉर्ड मिंटो और एक होने वाले हैं आपके लॉर्ड मॉर्ले। जो लॉर्ड मॉर्ले हैं वो उस टाइम पे थे भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये है आपके लॉर्ड मॉर्ले फर्स्ट फोटो में, और सेकंड फोटो में जिन्हें आप देख सकते हैं वो है लॉर्ड मिंटो। अच्छा, इन सभी लोगों के नाम क्या है, लॉर्ड क्यों लगा रहे थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो, फिर लॉर्ड कर्जन, रीज़न ये है कि सभी लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं, ब्रिटेन में दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, जो भी हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर होते हैं उनके लॉर्ड लगा होता है। तो लॉर्ड मॉर्ले उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इंडिया के, और लॉर्ड मिंटो जो हैं वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हैं उस टाइम पर। इन दोनों की मिली भगत से ये एक्ट आता है, इसी वजह से इस एक्ट को कहा जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। ठीक है, चलिए द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, ये काउंसिल एक्ट का लास्ट एक्ट होने वाला है, मैंने कहा था आपको 1861, 1892 और 1909 एक्ट। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की साइज को बढ़ा दिया है सेंट्रल और प्रोविंशियल की। जो मेंबर होने वाले हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है, और द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नॉट यूनिफॉर्म, जितना बड़ा काउंसिल है
उतने मेंबर्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, उसका कोई भी नंबर फिक्स नहीं किया गया है। बट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 मेंबर होते थे, उन 16 मेंबर्स को बढ़ाकर टोटल कर दिया गया है 60 मेंबर्स। उसके बाद में देखें वो इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउ द नॉन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। जो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो मेजोरिटी में होने चाहिए, लेकिन प्रोविंशियल में क्या हो सकता है? सीधी सी बात ये है कि आप प्रोविंशियल के अंदर ये कर सकते हैं कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो मेजोरिटी में हो सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होने वाले हैं वो प्रोविंशियल काउंसिल में तो मेजोरिटी में हो सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ऑफिशियल मेंबर्स ही जो है वो मेजोरिटी में होने चाहिए। उसके अलावा इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स आर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट एंड सो ऑन। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो बजट चल रहा है आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं बजट के ऊपर, वो जो है आपका वो लेके आया जा सकता है, रिजोल्यूशन लाया जा सकता है, कोई भी मतलब बजट के ऊपर कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो जैसे आज रिजोल्यूशन लाए जाते हैं उस तरह से। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइस रॉय से उनका एसोसिएशन होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइस रॉय एंड गवर्नर्स। वॉइस रॉय होता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गवर्नर होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। ये भाई साहब का जो फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ही इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि लॉ मेंबर के तौर पर अपॉइंट किए गए थे। मतलब पहली बार अ पर्सन इज इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इज इट क्लियर टू यू? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एड किया गया था इन्हें एज द लॉ मेंबर। चलिए इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर बंगाल विभाजन की बात थी 1905 में, बंग बंग के नाम से जिसे जाना जाता है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और उसके बाद यहाँ पर मुस्लिमों के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, सेपरेट इलेक्ट्रॉट जो है वो दिया गया, उसे एक्सेप्ट कर दिया गया कि वहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। यही आगे जाकर, यही सारी चीज़ें आगे जाकर 1947 में हमारी कंट्री पर इतना बड़ा थ्रेट लेकर के आती है कि हमें पार्टीशन की नौबत आ जाती है। इस एक्ट से क्या होता है, लीगलाइज कम्युनलाइजेशन एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉट। ये मैंने यहाँ ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि लॉर्ड मिंटो को जो है वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉट कहा जाता है इंडिया में। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, कॉरपोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद महात्मा गांधी को बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रॉमिस की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उन सभी प्रॉमिसेस के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि भैया हम ऑब्जेक्टिव आता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे भारत में। कौन सी गवर्नमेंट लेकर आएंगे? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। वही बात है, मॉन्टेग्यू के जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडिया के, और चेम्सफोर्ड जो है वो होने वाले हैं वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ही इज मॉन्टेग्यू एंड द सेकेंड फोटो इज ऑफ चेम्सफोर्ड हु इज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। इस एक्ट के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में बात अगर मैं करूँ तो इट प्रोवाइड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरीज, सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इस तरह की कोई चीज़ आपने इंडियन पॉलिटी में भी देखी है जिसे हमारे यहाँ सेवेंथ शेड्यूल में रखा गया है, जिसे हम लिस्ट कहते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेम उसी तरह की चीज़ यहाँ पर भी है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के, इन्होंने दो ही कैटेगरीज में बांटा है, एक है सेंट्रल सब्जेक्ट्स और एक है प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटिंग यूनियन लिस्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट लिस्ट। समझ में आया यहाँ आप सभी लोगों को? दिस क्लासिफिकेशन वॉज डन बाई द डिसॉल्यूशन रूल फ्रेम अंडर द एक्ट। द रूल फैसिलिटेटेड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल टू द प्रोविंशियल्स। ये सब डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है, इसका ध्यान रखें आप।
इन दिस वे द एक्ट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस. इस वजह से एक्ट जो है वो क्या करता है, सेंट्रल कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर कम करता है. द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर अथोराइज टू मेक लॉज ऑन द रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. देखिए सेंटर अपनी लिस्ट के ऊपर रूल्स बना सकता है और स्टेट जो है वो अपनी लिस्ट के ऊपर रूल्स बना सकता है. सेम पॉलिसी हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से जो है जो स्ट्रक्चर है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का वो यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यू रहता है. इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्व्स. प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स भी दो पार्ट्स में बांट दिए गए हैं, एक होगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जैसे पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. और रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन्स, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस एक्सेट्रा. ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को जो है उन्हें गवर्नर जो है वो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे. तो गवर्नर ऑफ द प्रोविंस है वो किसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के ऊपर. और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए गवर्नर उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर रूल करेंगे. मतलब गवर्नर अपने मिनिस्टर्स यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलकर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर रूल्स बनाएंगे. दो सब्जेक्ट्स हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल. रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इस चीज का आप सभी लोगों ने ध्यान रखना है. दिस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज डायरेक्टी. इस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डायरेक्टी कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक वर्ड डायरेक्ट से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है डबल रूल. क्या मतलब होता है डबल रूल, इज इट क्लियर? ये आपके लॉर्ड क्लाइव के टाइम के डायरेक्टी से अलग है जो कि बंगाल में आया था. ये डायरेक्टी हमें जो है वो राज्यसभा और लोकसभा वाला इंट्रोडक्शन, सॉरी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट वाला इंट्रोडक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करता है. इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म. ये जो राज्यसभा और लोकसभा वाली बात कर रहा था मैं वो यहाँ आई है. बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करता है, मतलब टू चेंबर्स होंगे जैसे अपर चेंबर लोअर चेंबर हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है उसी पैटर्न से. और पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे इंडिया में, ये इस एक्ट से आता है. दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस बाय अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाएगा उसे एंड अ लोअर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाएगा. तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल से बदल दिया गया है. द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन. और जो ज़्यादातर नंबर्स चुने जाएंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे. ये समझ में आया सभी लोगों को यहाँ पर कि पहली बार आपके डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में 1919 में होंगे, जहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इलेक्शन से चुने जाएंगे. चाहिए इट रिक्वायर्ड दैट देयर ऑफ द सिक्स मेंबर्स ऑफ द वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल रादर दैन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन. इससे ये कंपल्सरी हो जाएगा कि वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें छः मेंबर्स इंडियन होना चाहिए. सिर्फ कमांडर इन चीफ जो सबसे मेन पोस्ट होती है जिसे सेनापति भी एक तरह से कहा जाता है, उस पोस्ट के अलावा कोई भी छः मेंबर्स इंडियन होना कंपलसरी है. इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. इसमें पहले सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था, उसके बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट सिख को दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया, सॉरी, और यूरोपियंस को दे दिया गया. तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इससे बढ़ाया गया है. फ्रेंचाइज मतलब वोट देने का अधिकार जो है वो कुछ लिमिटेड लोगों को दिया गया डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर. उसके लिए पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी टैक्स और अदर क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन किए. एक नया ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर्ड टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस हिट हाइट ऑफ परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में एक नया ऑफिसर होगा जिसे हाई कमिश्नर फॉर इंडिया कहा जाएगा. और उसके बाद में जो है वो आपके पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो पावर्स हैं वो उसे थोड़े बहुत उसके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो. इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिश करने की बात हुई है. जो यूपीएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पहली बार इंट्रोड्यूस होता है. सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसे कहा जाता है 1926 में सेटअप हुआ था सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए. और पहली बार इसने प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग किया था. मतलब स्टेट का अपना बजट होगा,
इसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टेट को प्रोविंसेस कहा जाता था, प्रांत, तो प्रांत का अपना बजट होगा और सेंटर का अपना बजट होगा। इसके अलावा एक स्टेटरी कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये चीज़ जानकारी में रखने के लिए हर 10 साल के बाद में। इसी के रिजल्ट से साइमन कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश होता है। इट प्रपोज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ चेंबर ऑफ प्राइजेस ऑल्सो नोन एज नरेंद्र मंडल। द चेंबर वॉज इनॉग्रेटेड 1921। इट कंसिस्ट ऑफ 120 मेंबर्स, 108 प्रिंसेस होंगे और फल फल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वी कैन निगलेक्ट इट। इसके बाद आता है साइमन कमीशन, जो इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए आता है कि 1919 में जो एक्ट चल रहा था उस एक्ट को किस प्रकार से जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो नवंबर 27 में आता है, 2 साल पहले आ जाता है, 10 साल बाद आना चाहिए था। 8 ही साल के अंदर आ जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक 7 मेंबर काउंसिल को बनाने की बात करती है, जिसे जॉन साइमन नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि चेयरमैन होते हैं। इसी वजह से इसे साइमन कमीशन के नाम से कहा जाता है। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इसमें बात कही जाती है। इसको बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है और इसी विरोध में बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर होते हैं पंजाब के, लाला लाजपत राय, जिनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश। सबसे इंपॉर्टेंट बात विद्रोह करने की ये थी कि 7 के 7 मेंबर जो हैं ब्रिटिशर्स हैं। मतलब अब कुछ अंग्रेज बताने वाले हैं इंडिया को कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। और जो कि ये कमीशन खूब बाइकआउट होता है, लेकिन 1913 में फाइनली कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। लाला लाजपत राय की ही इसके बीच में लाठीचार्ज के दौरान जो है वो डेथ हो जाती है। और ये जो अपनी रिपोर्ट देता है उसके हिसाब से क्या होता है, डायरेक्टली एबॉलिश कर देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रोविंसेस में बढ़ाना चाहिए, ब्रिटिश फेडरेशन बनाना चाहिए भारत में और प्रिंसली स्टेट्स का मिलकर, और कम्युनल इलेक्टोरेट जारी रखने चाहिए। इसकी कुछ रिकमेंडेशन होते हैं, इन्हीं रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो ब्रिटिश कंसिडरेशन को सबमिट होता है, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 1932 में रामसे मैकडोनल्ड, एक जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो एक स्कीम लेकर आते हैं जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, जो कि माइनॉरिटीज़ को दी जाती है। द अवार्ड नॉट कंटिन्यू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द डिप्रेस क्लासेस SCs। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि कम्युनल रिवॉर्ड में जो है वो शेड्यूल कास्ट को भी दिया जाता है। और ये यहाँ पर जो है ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिससे वो लोग मान लेते हैं कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो आपके डिप्रेस्ड क्लासेस को दी जानी चाहिए। मतलब पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में साइन होता है, जिससे इस चीज़ को मान लिया जाता है कि ठीक है, SC कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अब ब्रिटिश जो है वो पूना पैक्ट को मान लेते हैं और कम्युनल अवार्ड में जो है वो शेड्यूल कास्ट को भी ऐड कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट द प्रोविंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वर ड्रॉप फ्रॉम द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो क्या एक्ट में मॉडिफिकेशन होता है, दिस मीन्स दैट द प्रोविजंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वर ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटेन्ड इन द कम्युनल अवार्ड। सब्सिक्वेंटली द प्रोविजंस ऑफ पूना पैक्ट वर इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो कंपोजिशन है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का, वो पूरी तरह से कम्युनल अवार्ड के ऊपर बेस्ड होने वाला है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स वाला ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे बड़ा एक्ट, जो आज तक सबसे बड़ा एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, अभी तक उससे बड़ा कोई एक्ट पास नहीं किया, वो कहलाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इस एक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा 60% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस डायरेक्टली और विद सम मॉडिफिकेशन, इनडायरेक्टली नहीं कहूँगा, डायरेक्टली और विद सम मॉडिफिकेशन, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जिसके अंदर 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स हैं। इस एक्ट में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इन सारी चीज़ों को हम इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाता है, जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे, क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाता है प्रोविंसेस का और प्रिंसली स्टेट्स का। ये एक्ट जो है वो सेंटर और यूनिट्स जो है वो 3 लिस्ट में बांट देता है। फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर के लिए होती है 59 आइटम्स के साथ, प्रोविंशियल लिस्ट जो कि 54 आइटम्स होते हैं प्रोविंसेस के लिए, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जो कि दोनों के लिए होती है। देखिए, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आता है पूरी तरह से। जो रेसिडरी पावर्स होती है वो वॉइस रॉय यानी कि गवर्नर जनरल को दे दी जाती
एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फेडरेशन है कभी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी इस चीज़ को नहीं माना। डायरेक्टली हटा दिया जाता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसमें लाया जाता है, जिसमें यूएसए वाला सिस्टम है कि आप चाहें तो यूनियन का पार्ट हो सकते हैं और चाहें तो यूनियन का पार्ट ना हो। नेक्स्ट बात करें तो प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्टेशन ऑफ डायरेक्टली एट द सेंटर, सेंटर पे डायरेक्टली बनेगी, मतलब सेंटर में बाइकैमरलिज्म होगा और फेडरल सब्जेक्ट्स को जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर बांट दिया जाएगा। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इन ऑपरेशन एट ऑल, ये प्रोविजन भी कभी ऑपरेशन में नहीं आया। बाइकैमरलिज्म आता है 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, तो लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आपका यूपी जो है वो बाइकैमरल बना दिया जाता है, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस होगा, बाकी किसी में भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें तो रिजर्व करते हैं ये कुछ सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सीट्स डिप्रेस क्लास यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए, है ना। और उसके बाद में काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से बनी थी और जिसकी वजह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को टर्म्स ऑफ एडवाइजर्स के तौर पर दिया गया था, उसे हटा देते हैं। फ्रेंचाइज जो है वो 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग का अधिकार भारत के अंदर दिया जाता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो करेंसी बनाने के लिए द मेन बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। इतना सभी लोगों को आई थिंक सो क्लियर होगा। चलिए जस्ट गिव मी अ मिनट। इसके अलावा एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए। उसके अलावा फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया जाता है 1937 में। ये फेडरल कोर्ट ही आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह काम करेगी। बर्मा को भारत से सेपरेट कर दिया जाता है, उड़ीसा और सिंध के दो नए प्रोविंसेस बनाए जाते हैं और माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात की जाती है। फाइनली जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के बाद भारत पूर्ण रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट से आज़ाद हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश रूल भारत में 30 जून 1948 तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद सारी की सारी पावर रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के होते ही मुस्लिम लीग ने जो है वो भारत में पार्टीशन डिमांड करना शुरू कर दिया था। 3 जुलाई 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में बनी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना ले इंडिया के लिए, है ना। अगेन ऑन 3 जून 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो उन पार्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मानने से मना कर देंगे। उसी दिन मतलब 3 जून 1947 को ये जो भाई साहब आपको यहाँ काले कोट में दिखाई दे रहे हैं गोधी जमनी वाले, ये हैं लॉर्ड माउंट बैटन, जो कि पार्टीशन प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को आप सेपरेट कर दें, जिसे माउंट बैटन प्लान कहा जाता है। इस प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मान लेती है और इमीडिएटली ये प्लान जो है वो इनैक्ट हो जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के साथ में। इस एक्ट के फीचर्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत में 200 सालों से चला आ रहा ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त होगा। इंडिया के इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद और सॉवरेन मतलब संप्रभु, इनके ऊपर अब कोई और शासन नहीं करेगा। दूसरी जो चीज़, एक पहला वाला पॉइंट खुशी देता है और दूसरा वाला पॉइंट जो है वो भयंकर गम देता है कि इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग अलग डोमिनियंस के तौर पर सेपरेट कर दिया जाएगा, जो कि इनके पास ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का पूर्ण रूप से अधिकार है। ये जो हरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं, हरा वाला पार्ट होगा पाकिस्तान, इट इज़ ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, एंड इट इज़ वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वॉइसरॉय के ऑफिस को हटा दिया जाता है दोनों डोमिनियन के लिए, गवर्नर जनरल दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, और वो भी तब तक के लिए ही रहेंगे तब तक कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह अच्छे से फ्रेम ना हो जाए। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं इंडिया के और पाकिस्तान के, वो दोनों ही जो हैं वो होने वाले हैं आपके लॉर्ड माउंट बैटन। तो इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल हु वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वॉज हैव टू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन
for their respective nation and to repeal any act of British Parliament, include the Independence Act itself, जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई भी एक्ट पिछले 200 सालों में आप रिपील कर सकते हैं, इवन इंडिपेंडेंस एक्ट भी आप जो है वो रिपील कर सकते हैं। ये अधिकार भी इसी एक्ट के अंदर दिया गया था और जो भी दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके अपने देश को चला सकती है। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियन टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स्ड। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आफ्टर अगस्त 15, 1947। ये 15 है, IAS हो गया है यहाँ पर, थोड़ा सा इसे 15 कर लें आप लोग, इट इज 15। 1947 वॉज एक्सटेंडेड आइदर टू द न्यू डोमिनियंस अनलेस इट वॉज एक्सटेंडेड देयरफॉर टू द लॉ लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी नियम जो है वो ब्रिटिशर्स का दोनों ही डोमिनियंस के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, वैलिड नहीं होगा जब तक ये दोनों डोमिनियंस ना चाहे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है वो भी हटा दिया जाता है और उन सभी उसके जो भी फंक्शंस हैं वो कॉमनवेल्थ अफेयर्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का लैप्स हो जाता है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ और जो भी ट्रीटीज और ट्राइबल एरियाज और प्रिंसली स्टेट्स के साथ उन्होंने साइन की वो सब 15 अगस्त 1947 से ख़त्म हो जाती है। फाइनली इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान टू रिवॉल्व टू रिमेन इंडिपेंडेंट। यहाँ भारत का और टुकड़े करने का प्रयत्न उन लोगों ने किया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो या तो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। जो गवर्नेंस है दोनों डोमिनियंस की उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से आप लोग चलाएंगे तब तक कि आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए, उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील कर सकते हैं, ऐसा एडवाइस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ब्रिटिश मोनार्क को उनके वीटो, बिल राइट्स, आज रिजर्वेशन राइट्स, मतलब जितने भी राइट्स होते हैं वो सभी लोग के राइट्स ब्रिटिश मोनार्क से छीन लिए जाएंगे इन दोनों ही डेजिग्नेशन से। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रोविंशियल गवर्नर हैं स्टेट्स के, उन सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा और द एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल है उसे इंग्लैंड के किंग से ड्रॉप कर दिया जाएगा कि नाउ ही इज जस्ट द किंग ऑफ इंग्लैंड, ही इज नॉट द किंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सीधी सी बात है, जब ब्रिटिश रूल नहीं है तो अब कोई भी सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से नहीं होगा। द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 1947 वो अभी बेनिफिट्स जो उन्हें उस टाइम पे दिए गए थे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 14, ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं स्टेटमेंट को, मैं तब भी पढ़ता हूँ, आप सभी लोग भी स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एज इट इज़ मैं इसे अभी रिपीट करने वाला हूँ। एट स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ द 14th 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड एंड द पावर वॉज ट्रांसफर टू द न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबैटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। ही स्वॉर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। तो यहाँ पर फाइनली द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबैटन पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलवाते हैं फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। एंड 15th अगस्ट 1947 इज द डे व्हेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग, इंडिया इज अवेकिंग टू एंजॉय इट्स फ्रीडम। चलिए, इसके अलावा ये इंटरिम गवर्नमेंट है, ये आपको लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। फाइनली इंडिया इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिश। इसके बाद हम आगे जाकर इंडियन पॉलिटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है? तो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। एनी टाइप ऑफ क्वेरी, एनी टाइप ऑफ डाउट अगर आपको हो तो प्लीज़ यू कैन कमेंट मी डाउन, यू कैन मूव टू माई टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।